बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैजान कदीर। दोस्तों आज की वीडियो टॉपिक टेक्नोलॉजी के वीडियो की रिलेटेड है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ के बारे में जानने के लिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल हम व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें न्यूज़ भी शेयर हो रही होती हैं, वीडियोज़ भी शेयर हो रही होती हैं और इमेजेस भी शेयर होती हैं। दोस्तों व्हाट्सएप को जब से फेसबुक ने परचेज़ किया हुआ है, जब से फेसबुक ने इसको ओन कर लिया है, तब से फेसबुक ने व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हुई हैं और व्हाट्सएप को मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप ने अभी कौन सा नया ऐसा ज़बरदस्त फीचर लॉन्च किया है जिसकी वजह से हम और आप ऐसी न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा, बल्कि ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं या ये जो हम इमेज देख रहे हैं इसकी हकीकत असल में है क्या, क्या ये न्यूज़ असली है या नकली। तो दोस्तों इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो कुछ ऐसा पहले यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक इमेज, एक तस्वीर जो वायरल हो गई थी जिसमें एक अंग्रेज़ लड़के की तस्वीर थी और उसमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत अमीर लड़का था, ये किसी आज की पशु की वाले चक्कर में पड़ गया था और फिर ये पागल हो गया था, कुछ इस तरह का एक सीन उसमें क्रिएट किया गया था। तो वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी और सब लोग इस पर यकीन करने लगे थे, लेकिन बाद में इसकी जब हकीकत खुली तो उसमें ये अंदाज़ा हुआ, बल्कि ये मालूम हुआ कि भी असल में वो लड़का था ही मेंटली डिस्टर्ब और वो पागल था। तो उसमें उसको थोड़ा सा दिखाया गया था उसके हमशक्ल के साथ, असल में जो हकीकत से बिल्कुल हट के थी वो तस्वीर और वो बिल्कुल स्टोरी जो जितनी भी थी वो सरासर झूठ पे मुड़ी थी। अब ऐसी इमेजेस, ऐसी न्यूज़ जब शेयर होती है व्हाट्सएप पर तो हम उसको कैसे जान सकते हैं? उसके लिए नहायत ही आसान तरीका भी व्हाट्सएप ने ढूंढ निकाला है, जो कि इनकी एक न्यूज़ अकाउंट है व्हाट्सएप बीटा इन्फो के नाम से। उन्होंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई हम इसमें एक फ़ीचर लॉन्च करें व्हाट्सएप पर, जो नया अपडेट आएगा उसमें हो जाएगा। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में तो हो गई है अभी ये अपडेट, लेकिन हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में अभी होने वाली होगी जो नई अपडेट आएगी व्हाट्सएप की। तो उसमें करना क्या है, आप जाएँगे सिंपली जो न्यूज़ जो आपको लिंक आएगा, जो इमेज आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम किसी को इमेज फॉरवर्ड करते हैं सिंपली, तो उस पर क्लिक करेंगे, उसमें हमारे पास इमेज आएगा, उसका ऑप्शन आएगा कि इमेज रिवर्स या इमेज सर्च का, ठीक है। तो हम उसको सर्च करेंगे जिसका मकसद ये होगा कि ये सर्च का कमांड करेगा क्या, ये जाएगा इस इमेज को गूगल इमेज इसमें सर्च करेगा और बिल्कुल मेन जो इसका फर्स्ट शेयरिंग पर्सन है, जो जिसका सेंडर है फर्स्ट, जिसने सेंड किया है, तो वो इसको ढूंढ के निकालेगा और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये जो हम इमेज, ये जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, क्या वाकई में एज इट इज़ ही है जो हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं, या एमी किसी ने इसको एडिट करके इसी किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये जो फीचर अभी व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कई सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसमें ये जो असली, नकली, गलत, झूठी और सही, जो सच्ची न्यूज़ होगी, इसमें हम इस पर डिफरेंस कर सकेंगे और इसे हम फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये था व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में, एक टेक रिलेटेड न्यूज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।